क्या जरूरत थी इतनी जल्दी वहां से आने की? खाना तो खाने देती। जल्दी अब्बा जी की बातें सुनी थी और खाने की ऐसी क्या लालच है आपको? अरे तुम नहीं समझोगी, बहुत भोली हो। क्या नहीं समझूंगी? गहरी स्कीम है। तुम्हारे अब्बा ने जो नवीद को आने की इजाजत दी है, सारा गेम डॉलर और नीले पासपोर्ट का है। फिर वही डॉलर वाली बात, बार बार अब्बा जी के सामने भी इस किस्म की बातें कर रहे थे। अब्बा जी को किसी को पैसों की जरूरत नहीं है डॉलर। तुम बिना आठ आने दो रुपए वाली कौम हो। तुम्हारे अब्बा और भाई की नजरें नवीद के डॉलरों और अमेरिकन नेशनैलिटी पर है। अमेरिकी नेशनैलिटी, डॉलर, पासपोर्ट, आखिर मतलब क्या है सबका? तुम्हारे चाचा ने अभी माफ नहीं कर दिया खुर्शीद का खून नवीद को। वो रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हो, अब जो रिश्ता होगा उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। कौन सा रिश्ता? बहुत ही कूड़ मगज हो तुम। नवीद की बेटी अमेरिकन नेशनल, उसका रिश्ता तुम्हारे भतीजे के साथ। दाऊद? दाऊद या फिर दानियाल। एक रिश्ता और हो सकता है अगर तुम सोचो तो। सुनो तुम कहां सोचोगी, तुम्हारे पास दिमाग होगा तो तुम सोचोगी ना। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं भाई, भूख नहीं है। वो दुकान पे ना बच्चे बोले आए थे, हलीम नियाज की, नान के साथ खाया, बड़ा मजा आया। कितनी बार मना किया है कि बाहर से खाना मत खाया करें, मेदे में तजाबियत हो जाती है। घर के मसाले डले हुए थे हलीम, मैं कुछ नहीं होता। मसाले? चलो सारी रात दिकारें आएंगी, सोया नहीं जाएगा ना आपसे ना मुझसे। तुम किसी और कमरे में जाके सो जाओ। हाँ बड़ा महल है ना ये, किसी और कमरे में। एक ही फालतू कमरा था जनाब जो नवीद भाई को दे दिया। मेहमानों को खाना वाना दिया? नहीं, खामखा मैंने इतनी मेहनत की, पालक गोश्त और बिरयानी बनाए थे मैंने। अच्छा तो क्यों नहीं खाया मेहमानों ने? वो नवीद भाई तो कहीं बाहर से खाना खा कर आए थे, उनके कोई पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी ने भी मना कर दिया खाना खाने से। हाँ वो फिरदौस और मुदस्सर भाई आए थे। भाई तो फिरदौस और मुदस्सर को खिला देती ना, उनको तो पालक गोश्त और बिरयानी बहुत पसंद है। खाना खाने नहीं आए थे वो, लड़ने आए थे। क्यों? सौ सौ बातें सुनाई। फिरदौस और मुदस्सर भाई तो जल्दी पर तेल डालते रहे, कह रहे थे कि अब्बा जी को डॉलरों का लालच है। मैं पहले ही मना कर रहा था बाबूजी को कि इससे नवीद से कोई सुलह वुला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब खुद भुगतेंगे, हमें क्या। वो ऐसा करना, एहतियातन ना वो फक्की रख देना इधर। जी। अच्छा वो दानियाल यूनिवर्सिटी गया था? वो हाँ जी आ गया। दाऊद का फोन आया? आपको पता तो है नाइट ड्यूटी में कब उठाता है फोन। सुनो वो बिरयानी और पालक गोश है ना, रख दे ना ढक के, हो सकता है बाद में खाऊं। जी फक्की ले हूं मैं आपके लिए।